उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वे खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने से चूक नहीं रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कटघर कोतवाली इलाके के पीतल नगरी कॉलोनी से सामने आया है। यहां एक गाय को पत्थर मारने वाले दबंगों को एक युवक ने ऐसा करने से मना किया तो वह अपनी कई साथियों के साथ मोटरसाइकिलों पर आए और युवक के कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटाकर फायर कर दिया। युवक ने किसी तरह अपनी जान बचाई लेकिन फिर भी दबंग युवकों ने कई राउंड फायर कर इलाके में दहशत फैला दी। वहीं लोगों ने भी इधर उधर भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पीड़ित का आरोप है कि उसने पुलिस में शिकायत की लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। जब फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई तब जाकर पुलिस हरकत में आई और कार्यवाही शुरू की। पीड़ित के मुताबिक घटना 9 मार्च रात की है और अब वह दबंगों के खौफ से अपने घर से बाहर जाने में भी डर रहा है। पीड़ित युवक का नाम मुकेश सैनी है जो एक गैस एजेंसी का काम करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। परसों रात कुछ बंदे पीतल नगरी के निवासी रहे थे और गाय को मार रहे थे। मैंने उनसे यानी मना करने के लिए कहा, उसने अपने साथियों को साथ ला के फायरिंग करनी शुरू कर दी और कनपट्टी मेरे फायरिंग भी रुक रही। उसके बाद अपने साथियों के साथ में गुंडागिरी जाकर बदमाशी मोहल्ले में आके मेरे घर के पास में आके जान से मारने की पूरी कोशिश करी गई। ये कौन लड़के थे जो फायरिंग कर रहे थे और आप पर फायर किया? ये पीतल नगरी के निवासी हैं, पीतल नगरी रहते हैं और इसके साथ के बंदे ये नहीं पता ये कौन है। कैमरे में वो कैद हो चुके हैं। मेरे चाचा, हाँ, एक को पहनता हूँ मैं, उसका नाम है अखिल पाल और उसके साथ के एक अखिल पाल, एक विवेक, एक सौरभ। पता नहीं क्या मारने चाह रहे थे। वो गाय को मैंने उसका गाय माता को मैंने मना करने के लिए कहा था, बोले पत्थर मत मारो, ये गाय माताएँ हैं हमारी, इसलिए उन्होंने बोले क्यों वो पी रखी थी उन लोगों ने। और पीने के बाद ये साथियों कुछ एक डेढ़ घंटे बाद साथियों के साथ में अपने 20-25 बंदे ला के मेरे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। थाने आए, पुलिस ने क्या कहा? थाने में कोई सुनवाई नहीं करी गई और पुलिस चौकी में भी मुझसे कहा गया देख लेंगे, मैं रिपोर्ट भी लिखवाई गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। फायरिंग के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने नहीं देखे? अभी तक नहीं देखा है। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा देख लेंगे हम जाकर। अभी तक मैं आज 48 घंटे हो जाएंगे आज शाम को, अभी तक उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं करी। कई बार आप थाने आ चुके? हाँ जी, पुलिस चौकी भी। आप देखिए मीडिया को देख के पुलिस आ गई, आपकी बताइए पुलिस को। जी पीतल नगरी सुधीर कुमार जी हैं, मैंने उनसे भी कहा गया और रिपोर्ट भी मेरे पास, तहरीर भी है मेरे पास, फोटो इसका स्कैन भी है अभी तक। सीसीटीवी फुटेज हाँ, आपने मीडिया को दिए वो भी दिखाए उन्हें? वो अभी वो पहुँचे नहीं है, अभी देखने नहीं गए पहुँचे हैं अभी। मीडिया भी आपको मैं दिखा चुका हूँ, मीडिया साहब को मैंने दिखाया। जब उसने आपके गोली मारी तब आपने हाथ मारा? हाथ मारा, ऊपर फायरिंग ऊपर हो गई। और जी मिला था मैं उनसे, इंचार्ज साहब से मिला था, उन्होंने कहा देख लेंगे आपको, मैं देख लूँगा। और उन्हें अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई अभी तक, और मेरी जान के लिए खतरा है। तब मिले दरोगा जी से तुम? मैं कल उनके दोपहर का टाइम मिला था और तहरी दी, और तहरी मेरे पास भी है, फोटो आपको चाहूँ तो दिखा सकता हूँ आपको मैं। अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, न कोई सुनवाई करी गई मेरे। जो अकेले और इनके विवेक ठाकुर और सौरभ, इनसे मेरे खतरा है और मेरे बच्चे, मेरी छोटी बच्ची है और उनसे ज़्यादा वो भी परेशान है ज़्यादा। मैं नौकरी करता हूँ, गाय बचाने तो गाय बचाने से हल्की मैंने उससे मना कराया गया, गाय माता को बचाने के लिए कहा, उन्हें फायरिंग कराया, एक घंटे बाद फायरिंग वगैरह करने शुरू कर दी मेरे ऊपर अपने साथ के गुंडे ला के। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।